अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की अच्छी खबर आई है इटली से। इटली जो है, कल मीटिंग हुई है इटली में, जो वर्क मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं इटली के, और जो वज़ीर दाखला हैं उधर के, उनके दरमियान एक काफ़ी संजीदा मीटिंग हुई है। इटली में आपको पता है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है जब से ये लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि जो इलीगल लोग उधर काम करते थे एग्रीकल्चर में, वो जो है वो अब जो जॉब पे नहीं जा रहे, काम पे नहीं जा रहे, कि पुलिस उनको पकड़ लेगी, वो लॉकडाउन भी रहा था, तो इस वजह से तो जो एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर है वो बार बार जो है टीवी पे आकर एवरीडे ये कह रही थी कि जो हमारी जो फसल है, जो इनके इटली के इलाके में साउथ में जो टमाटर अंगूर और देकर जो जो फसलें होती हैं, उनको अगर बर वक्त उतारा ना गया, उनकी पिकिंग ना की गई, तो वो जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। और वो एवरीडे आके टीवी पे जो है शोर कर रही थी कि ऐसे लोग जो इटली में इलीगल हैं उनको कागज़ दिए जाएं। तो फाइनली उनकी बात का असर हुआ है, और जो कल जो है वो एक मीटिंग हुई है, यानी कि 6 मई को, जिसमें जो है वर्क मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर और जो वज़ीर दाखला हैं वो इस बात पे फाइनली एग्री हो चुके हैं कि जो जितने भी लोग हैं इधर जिनके पास जो है वो पेपर नहीं है, उनको जो है वो लीगल स्टेटस जो है वो दिया जाए। उन्होंने सब कुछ जो है इसमें फाइनल कर लिया है। इससे जो है जो वर्क मिनिस्टर है उनका कहना था कि इससे 6 लाख के करीब जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे इस स्कीम से, और इस स्कीम का जो प्रोसीजर है वो भी उन लोगों ने जो मीटिंग में जो है वो फाइनल कर लिया है कि जो 2012 में जो प्रोसीजर था सेम वही प्रोसीजर होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 महीने का टैक्स जो है वो एडवांस में जो है देना होगा, जमा करवाना होगा, और इस जो टैक्स से जो सालाना जो उनको फ़ायदा होगा टैक्स की मद में इटली की गवर्नमेंट को, वो 1.2 बिलियन के करीब जो है वो फ़ायदा होगा। तो इस खबर के बाद जो है अब काफ़ी चांसेस हो गए हैं कि इटली में जो है वो इमिग्रेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये पार्लियामेंट में बहस होगी या ये मामला पार्लियामेंट में जाएगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाते हैं तो उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी होगी और हमारी जो फसलें हैं वो ख़राब हो चुकी होंगी। तो बेस्ट चीज़ यही है कि जल्दी से जल्दी ये जो है इमिग्रेशन ओपन की जाए, और जो ये जो है वो बेस्ट टाइम है कि इटली के लोगों को जो इलीगल हैं उनको जो है लीगल स्टेटस दिया जाए, और उनसे जो है टैक्स की मद में जो है फ़ायदा लिया जाए, और उनसे जो है वो काम करेंगे और गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स आएगा। इस फैसले के बाद ट्रेड यूनियन ने भी इस फैसले को अप्रिशिएट किया है। वो उन्होंने कहा है कि हम तो जो है मार्च से ये कहते आ रहे हैं कि ऐसी स्कीम लॉन्च होनी चाहिए जिसमें जो है गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो और जो लोग इधर रह रहे हैं गैर कानूनी तौर पर उनका भी फ़ायदा हो, और जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी जो है और लेबर फोर्स मिले काम के लिए। तो अब जो है 99% जो चांसेस हैं कि अब जो है इस किसी भी वक्त जो है इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी, और देखना यह है कि अब ये फाइनल डिसीजन कब आता है। तो उसके लिए जब जैसे कोई न्यूज़ आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।